एशिया कप 2023 में सभी टीमों ने अपने अपने कप्तान और वाइस कैप्टन घोषित कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एशिया कप 2023 में भाग लेने वाली 6 टीमों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लेकर नेपाल के कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो निरंतर मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश टीम की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर शाकिब अल हसन को कप्तान बनाया गया है और वाइस कैप्टन के रूप में टीम ने लिटन दास को नियुक्त किया है और इस बात की पुष्टि खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीती रात को की है। जबकि दूसरी टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की तरफ से एशिया कप 2023 में हशमतुल्ला शहीदी कैप्टन के रूप में होंगे, जबकि अफगान टीम के वाइस कैप्टन नजमुद्दौला चादरान होंगे। तो वहीं तीसरी टीम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि उनके वाइस कैप्टन शादाब खान होने वाले हैं। तो वहीं श्रीलंका टीम की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से दासुन सनाका कप्तान के रूप में खेलते दिखेंगे, तो वहीं वानुंदा हसरंगा वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। जबकि भारतीय टीम की बात की जाए तो हमारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहने वाले हैं, तो वहीं उनके वाइस कैप्टन के रूप में हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। जबकि नेपाल टीम की बात की जाए तो नेपाल की तरफ से रोहित पोटेल कैप्टन होने वाले हैं तथा उनके वाइस कैप्टन संदीप लामिछानी, जो कि एक बेहतरीन स्पिनर है, वह उनके वाइस कैप्टन के रूप में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान से लेकर नेपाल, श्रीलंका एवं बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कुछ इस प्रकार कैप्टन एवं वाइस कैप्टन एशिया कप 2023 में आपको खेलते दिखने वाले हैं। एवं आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना।